assalamu alaikum welcome to the montessori complex high school distance learning program i hope all students are well and better introduction my name is miss Uzma zaidi i am a class teacher of 3 today i will introduce the subject of science topic is food and feeding habits of animal this is your part 1 video in this video i will start the reading and explanation this is your inspiring science textbook kindly write your name class name and house name and cover your book with plastic cover this is your science copy kindly write the name class name house name and cover your copy with plastic cover this is your test copy this copy is divided into four portion english active english grammar science and sst kindly write the name house name and class name in this copy and cover your copy with plastic cover ओके स्टूडेंट्स ओपन योर साइंस बुक कम टू द पेज नंबर वन लेसन वन नेम इज़ फूड एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ़ एनिमल्स इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट द फूड एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स इस लेसन में आप एनिमल्स की फ़ूड और फीडिंग हैबिट्स को सीखेंगे एनिमल्स नीड फूड ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड टू लिव एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स दे नीड एनर्जी टू मूव अराउंड एंड वर्क फूड गिव्स दैम ऑल द एनर्जी दे नीड दे नीड फूड टू रिमेन हेल्थी तमाम लिविंग थिंग को जिंदा और ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है एनिमल लिविंग थिंग है और एनिमल को मूव करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है फूड इनको हेल्थी रखता है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नाउ टर्न द पेज नंबर टू टॉपिक इज सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स एनिमल्स ऑबटेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स Different animals eat different kinds of food. They either eat plants or plant eating animals. Some animals, like goat and deer, eat plant food like grass and leaves directly. Some other animals, like tiger and lion, eat the flesh of these plants eating animals. This shows that even flesh eating animals depend indirectly on plants for their food. एनिमल्स अपने इर्द गिर्द से हासिल करते हैं मुख्तलिफ जानवरों की जा मुख्तलिफ होती है कुछ जानवर जैसे गॉड और डेयर और ग्रास और लीव्स हासिल करते हैं और इन्हीं जानवरों को फ्लैश ईटर एनिमल्स लाइक टाइगर और लॉइन खाते हैं इससे ये नज़र आता है कि फ्लैश ईटर एनिमल्स डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर लुक एट दिक्चर वॉट एनिमल्स ईट बेस्ड ऑन वॉट दे ईट डिफरेंट एनिमल्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स मुख्तलिफ जानवरों को मुख्तफ ग्रुप में रखा गया है हर्बी वॉरस सम एनिमल्स लाइक काओ बुफेलो गॉड डेयर हॉर्स एंड एलिफेंट ईट ग्रास लीव्स फ्रूट्स नर्स और रूट्स दीज प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बी वॉरस वो एनिमल्स जो ग्रास लीव्स फ्रूट्स नर्स खाते हैं वो हर्बी वॉरस कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पलो गॉड, दिस This is the example of herbivores. कार्नीवरस नाउ कम टू द पेज नंबर थ्री सम एनीमल्स लाइक डॉग कैट लॉइंट टाइगर फॉक्स स्नैक एंड शार्क ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स दीज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवॉरस वो एनिमल्स जो दूसरे जानवरों का फ्लैश मीन्स गोश्त खाते हैं वो कार्निवॉरस एनिमल्स कहलाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लॉइं टाइगर फॉक्स स्नैक शार्क

human being and bear how animals feed different animals eat different types of food their manner of eating is also different accordingly their mouth is also modified to suit their mode, of eating मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ा खाते हैं इस लिहाज से उनका माउथ मॉडिफाइड होता है जो उनको खाने में मदद करता है Now turn the page number 4. Some animals swallow their food. Birds do not have teeth. They swallow their food whole. Lizards and snakes have very small teeth. These teeth are not useful for chewing, they only help in grabbing the food. So, snakes and lizards also swallow their food whole. Snakes mostly eat mice and frogs. स्नेक्स कैन सेपरेट आउट देअर जॉस टू ओपन देअर माउथ वाइड दिस अलाउज देम टू स्वेलो प्रेस विच आर बिगर दैन देअर माउथ कुछ एनिमल्स फूड को स्वेलो करते हैं बर्ड्स के दाँत नहीं होते वो फूड को स्वेलो करते हैं स्नेक्स और लिजर्ड भी फूड को स्वेलो करते हैं क्योंकि उनके टीथ बहुत स्मॉल होते हैं स्नेक्स ज़्यादातर माइस और फ्रॉक्स खाते हैं स्नैक्स अपने जॉस को सेपरेट कर सकते हैं और अपने माउथ को ओपन करते हैं और अपने शिकार को आराम से स्वेलो कर लेते हैं दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्वेलो एनिमल्स सम एनिमल्स यूज दियर टंग टू कैच दियर फूड फ्रॉक्स एंड लेसर्ड्स हैव अ लॉन्ग एंड स्टिकी टंग दे शूट आउट द टू कैच इंसेक्ट्स दे इंसेट्स गेट स्टक टू द स्टिकी टनिमल्स पेयर ग्राइंड एंड च्योदियर फूट कुछ एनिमल्स अपनी टंग को यूज़ करते हैं फूड को पकड़ने के लिए इनकी टंग लॉन्ग और स्टिकी होती है जिसकी वजह से वो आराम से फूड को पकड़ लेते हैं फॉर एग्जाम्पल फ्रॉक एंड लिजर्ट सम एनिमल्स टेयर ग्राइंड एंड च्योदियर फूड कार्निवरस लाइक लॉइन एंड टाइगर टेयर एंड च्यू द फ्लैश ऑफ एन एनिमल। दे हैव शार्प पॉइंटेड एंड करव फ्रंट टीथ टू टेयर द फ्लैश एंड दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक टू च्यू द फ्लैश कार्निवरस एनिमल्स लाइक लॉइन एंड टाइगर इनके फ्रंट टीथ शार्प पॉइंटेड करव होते हैं और ये एनिमल के फ्लैश को ग्राइंड करते हैं और इनके बैक टीथ स्ट्रोंग होते हैं जो एनिमल के फ्लैश को च्यू करते हैं क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स हैव अ लार्ज माउथ दे हैव लार्ज शार्प एंड पॉइंटेड टीथ दे स्नैप ऑफ एनिमल्स विच कम टू ड्रिंक वाटर देयर टीथ एंड पावरफुल जॉज हेल्प देम ग्रैप बिग एनिमल्स एंड ऑल्सो हेल्प इन टीयरिंग देयर फ्लैश क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स के टीच शार्प और पॉइंटेड होते हैं और उनका माउथ बहुत लार्ज होता है ये इस वक्त शिकार करते हैं जब कोई जानवर पानी पीने आता है और इनके दांत उसको स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं और टेयर करते हैं एनिमल्स को नाउ कम टू द पेज नंबर फाइव सम एनिमल्स च्यू एंड स्फेलो दियर फूड हर्पी वॉरस एंड लाइक डियर एंड चराफ ईट ग्रास एंड लीव्स दे हैव ब्रॉड फ्लैट एंड शार्प फ्रंट टीथ टू कट डर स्वेलो फूट कुछ एनिमल्स जा को च्यू करते हैं और स्वेलो करते हैं इनके फ्रंट टीथ ब्रॉड फ्लैट और शार्प होते हैं काउस एंड बुफेलोज बाइट द ग्रास एंड स्वेलो इट लेटर

एलिफेंट यूज़ देर ट्रंक टू टीयर ऑफ ग्रास एंड ब्रांचेस एंड पुट इट इन देयर माउथ एलिफेंट हैव लार्ज ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू एंड ग्राइंड देयर फूड दे ऑल्सो ड्रिंक वाटर विद द हेल्प ऑफ देअर ट्रंक एलिफेंट अपनी ट्रंक को यूज करते हैं ग्रास और ब्रांचेस को अपने माउथ में ले जाने के लिए और इनके टीथ भी बहुत लार्ज होते हैं और ये पानी भी अपनी ट्रंक की मदद से पीते हैं सम एनिमल्स निबल दियर फूड एनिमल्स लाइक माइस एंड रैबिट्स डेट निबल दियर फूड हैव शार्प फ्रंट टीथ दिस एनिमल ईट दियर फूड बाई टेकिंग स्मॉल बाइट्स कुछ एनिमल्स अपने फूड को निबल करते हैं मीन्स कोतरते हैं जिसमें रैबिट और माइस हैं शामिल हैं और इनके टीथ भी शार्प होते हैं लैपिंग ऑफ लिक्विड फूड एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स लैप लिक्विड लाइक वाटर एंड मिल्क विद देयर टंग कुछ एनिमल्स लैपिंग करते हैं फूड को और इनका फूड लिक्विड में होता है फॉर एग्जांपल मिल्क और वाटर सम एनिमल्स सक देअर फूड बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज हैव अ फीडिंग ट्यूब इन प्लेस ऑफ माउथ दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड प्रोबोसिस इट वर्क लाइक स्टो आ बटरफ्लाई यूजिस द प्रोबोसिस टू सक लिक्विड लाइक नेक्टर फ्राम फ्लावर्स आ मॉस्किटो यूजिस इट टू सक ब्लड कुछ एनिमल शक करते हैं और इनके इस्टचर जो होता है वो ट्यूबलाइक होता है जिसको प्रोबोसिस कहते हैं और जो इनके माउथ के आगे प्लेस होता है जिसकी मदद से ये सक करते हैं This is the example of suck animals. Now, come to the page number 6 food for domestic animals. We keep cows, goats, and camels for their milk. Goats, sheep, and hens are kept for their meat. Hens and ducks also give us eggs. Horses, buffaloes, and bullocks are used in farming. Animals live, horses, donkeys, and bullocks are used to carry loads. Unlike animals which live freely in nature, domestic animals depend on us for their food. So they have to be given proper food to keep them healthy. डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स बहुत बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए फॉर एग्जांपल काओ ग और कैमल्स से हमें मिल्क हासिल होता है हैंड्स और डक से हम एग हासिल करते हैं भुफेलो हॉर्स बलॉक्स हमारे फार्म के लिए यूज़ होते हैं डंकी डोंकी और ब्लॉक्स लोड कैरी करते हैं इसलिए हमें डोमेस्टिक एनिमल्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए और इनको प्रॉपर फूड देना चाहिए फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स डिफरेंट डोमेस्टिक एनिमल्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड बीस्ट ऑफ बर्डन लाइक डोंकी एलिफेंट कैमल विच कैरी लोड फॉर अस नीड फॉर मोर एनर्जी सो दे शुड बी गिवन एनर्जी गिविन फूड्स एग लिंग एनिमल्स शुड बी गिवन प्रोटीन रिच फूड्स they should be given clean water to drink in clean vessel. मुख्तलिफ़ डोमेस्टिक एनिमल्स की फ़ूड मुख्तलिफ होता है बीस्ट ऑफ बर्डन एनिमल्स वो होते हैं जो लोड कैरी करते हैं और इनको हमें प्रॉपर एनर्जी गिविंग फ़ूड देना चाहिए और जो हमारे लिए ए करते हैं उनको प्रोटीन रिच फूड देना चाहिए और साफ़ सुथरा पानी देना चाहिए और जो इनके पानी का बर्तन होना होता है वो भी साफ सुथरा होना चाहिए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स ओके स्टूडेंट्स आई होप यू विल अंडरस्टैंड लेसन वन यू विल रीड द लेसन अगेन दिस इज योर होमवर्क एंड माई सेकेंड वीडियो पार्ट 2 विल बी कम सोन In my second video, I will start the question answers. Okay, students, Allah Hafiz, take care.